जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है और ये सोने पे सुहागा नहीं, सोने पे हीरे मोती जड़ता है और कॉमेडी के साथ नया टैलेंट लाता है और सेक्सी टांगों के साथ जानलेवा ठुमका मारने वाली एंकर बुलाता है। ओए तू क्या ठक ठक किया जा रहा है? ये ठुमका तेरे लिए नहीं है, ये ठुमका है वन एंड ओनली मिस्टर खान के लिए। सो लेट्स वेलकम आवर हॉटेस्ट जज मिस्टर सोहेल खान। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे हंसने वाली जज को देखकर हमारा बगल वाला जज हंसी सीखता है। सो प्लीज वेलकम हमारे हंसी की रानी अर्चना पूरन सिंह। समझदार को इशारा काफी है, मैंने जितने मुहावरे फेंक फेंक के मारे हैं ना, उसे सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारे आज के एपिसोड का थीम है मुहावरे। पिछले हफ्ते हमारे लीडर जोड़ियों ने नए टैलेंट के साथ मिलकर टीम्स बना ली हैं। अब इनका चोली दामन का साथ होगा क्योंकि इन दोनों के स्कोर्स जोड़कर इनके टीम के स्कोर्स गिने जाएंगे और स्कोरिंग शुरू हो रही है आज से। अब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा चोर देखना एक दिन पुलिस को डांट सुनाएगा। चोर कृष्णा पहुंच चुके हैं इंस्पेक्टर सुदेश के घर, वहां कर रहे हैं चोरी और साथ में सीना चोरी। सो प्लीज वेलकम हमारी लीडर टीम कृष्णा एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। कौन बोला इधर? कौन बोला डबल मीनिंग नहीं करने का? कौन बोला? तुम लोग को मालूम है ये गाने में कितना डबल मीनिंग है? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा क्या है बाकी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या राइटर ने स्क्रिप्ट में पंच दिया इसलिए मैं गुस्सा हो रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माई गॉड क्या बात है, कॉमेडी सर्कस का नया दौर, नया सेट, इधर आके कैसा लग रहा है? ऐसा पूछा आप लोगों ने हमसे कभी? जज की कुर्सी पर बैठ के बस इंजॉय करते जा रहे हो। और तुम लोग क्या नई जोड़ी क्या रे? सिद्धार्थ जाधव क्या रे? प्रिया नए लोग क्या समझते हो? कुछ नहीं होने वाला, हम लोग को देखो पुरानी जोड़ी, वाट लगी हुई है, हमारी स्क्रिप्ट ही नहीं है हमारे पास। लेकिन पुरानी जोड़ी का एक फायदा है, स्क्रिप्ट में पंच हो ना हो संभाल लेते हैं जज को 100 रुपया देकर। नहीं नहीं वैसा वाला संभालना नहीं, जब 100 रुपया देते हैं तो अर्चना जी पीकर टून हो जाती है, फिर बाद में संभालते हैं हम। थोड़ा सा प्यार हुआ। सोहेल भाई, ओ सॉरी भाई नहीं भाई, सोहेल कैसी लग रही हूँ मैं? चिकनी लग रही हूँ ना? है ना? सब लीव ऑन शेविंग क्रीम का कमाल है। माय गॉड सब लोग मेरे को चिकनी बोलते हैं लेकिन मेरा जो हस्बैंड है ना खुसट ने आज तक कभी मेरी तारीफ नहीं की, सच्ची बोलती हूँ मैं। माय गॉड इतना गंदा आदमी येड़ा। ट्रेन 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 मेरा भी फोन बज गया। माय गॉड हेलो हेलो। हाँ चाचा जी, क्या दादाजी मर गए? अरे बहुत बहुत मुबारक हो भाई, शादी हो गई है। अब तो सब लोग रोएंगे घर पे। कौन से गाने पे? डिंकी चिका पे बहुत अच्छा डांस होगा। अब किधर लेके जाएंगे उनको? मंसूरी ले जाओ मंसूरी, बहुत मजा आएगा, ठंड बहुत है। अगर दुल्हन अंदर लेटी होगी ना, हाँ तो नाक में रुई डाल देना, ऊपर बर्फ डाल देना। तो बस 2 मिनट में ठंडी हो जाएगी, क्योंकि माफी मांग लोगी तो दुल्हन ठंडी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अब दादी जी का क्या होगा? बच्चा होगा बच्चा। अगले साल लड़का होगा लड़का, मजा आ जाएगा। ओह माय गॉड। अच्छा बंद कर रहा हूँ यार, मुझे बहुत जरूरी काम है। फोन कर, ये हनीमून से मुझे भी अपना यार याद आ गया कमरा। ओ हाय हाय डार्लिंग, हाय आजो, सब है कोई नहीं देख रहा। कितना प्यार करती हो यार तुम मुझसे। इतनी रात हो गई अभी तक तुम सोई नहीं? तुम्हारे बिना मैं कैसे सो सकती हूँ? बिस्तरा तो तुम ही लगाते हो ना। सुनो हाँ, पीछे से कोई आवाज आई है।
नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं नहीं ये पीछे से नहीं, वो पीछे से आवाज आई है। पीछे से? हाँ। ठा मैं तेरे को थप्पड़ मार दूंगी अगर तूने अपनी मर्द जैसी बीवी को डराने की कोशिश की तो। ठा मेरे को लगता है कि चोर तो नहीं आया घर के अंदर। हाँ जाओ उसको बोलो कि ये तुम्हारा घर नहीं है यार, बताओ उसको। अबे साले तू पुलिस वाला है, तू जाकर देखना। यार क्या बकवास करूं, मैं कैसे जा सकता हूं, मैं इस वक्त ड्यूटी पे नहीं हूं यार, कानून भी आखिर कोई चीज है। देखा बोला था ना पति मिला है मेरे को, वाट लगा के रखी हुई है मेरी। हटाओ उसको, हटाओ, जाओ जल्दी जाओ। कोई चोर चोर नहीं, ऐसे ही मैंने खुद ही आवाज निकाली पीछे भेज दिया। पता बात क्या है, मैं अकेला सोना चाहता हूँ यहाँ पे, ये रात को सोती है मेरी छाती पे पैर रख देती, मैंने मरना थोड़ी है। अरे माय गॉड चोर ने मुझे पकड़ लिया। चोर है नहीं, बेवकूफ बना रही है। पकड़ के रखो जोर से। चोर ने तुम्हारी बात सुन ली, अब मुझे छोड़ ही नहीं रहा है कुत्ता। ऐसे पागल बना रही है, हमें क्या लेना देना, हम अपना स्टैंड अप करते हैं। हेलो सोहेल जी कैसे हैं, अर्चना जी कैसी हैं आप? नहीं आपके घर पे कभी सोहेल जी चोरी हुई कि नहीं? नहीं ना, कैसे होगी, चोरी होती है करोड़पतियों के घर पे। अरे आप तो अरबपति हो। अरे इनको तो यहाँ पे कोई फ्लैट भी नहीं देता, वहां कोने में समंदर के किनारे बैंड्रा में बंगला बना के बैठे हुए हैं। अरे आपको तो ऑटो भी नहीं मिलता, मर्सिडीज गाड़ी में जाते हो सब्जी लेने। साले इतना टाइम मत खा, डायलॉग बोल अपना। तुम्हें कहीं देखा है यार? पहचाना नहीं मेरे को? कृष्णा रोल कौन सा कर रहा आज? साले चोर बनाऊ मैं चोर। अच्छा चोर, वो एक पुलिस वाले के घर पे तेरी चोरी करने की जरूरत कैसे पड़ी हो? तू पुलिस वाला है? हाँ। साले शक्ल से तो तू स्टैंड अप कॉमेडियन लगता है। यानी दरअसल पहले मैं कॉमेडियन ही था, तो पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? क्या बहुत लंबी कहानी है? आज से 90 साल पहले मैं 16 साल का था। अच्छा 90 साल पहले तू 16 साल का था? यार तेरे को पता ये राइटर सारे अनपढ़ हैं, अगर ये अनपढ़ नहीं होते तो राइटर कैसे बनते? लिख दिया, बोलने देना, बीच में बात बोल यार। दरअसल मेरे पिताजी पुलिस में थे, उन्होंने अकेले कम से कम 70 बैंक लूटे। कोई पुलिस वाले ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक दिन अचानक ताला तोड़ रहे थे और कुछ चोरों ने पकड़ लिया उसको। मेरे पिताजी को गधे पे बिठा दिया, जूतों के हार डाल दिए। जब मुंह काला करने लगे, मैं कैसे देखता, मैं जवान बेटा कैसे देखता, मैंने मुंह ही उधर कर लिया। अभी तेरे पिताजी कैसे? अब मेरे पिताजी में कोई बुराई नहीं है, जब से वो मरे हैं। साले मैं तेरी इधर मनोहर कहानियां सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तो यार कमाल है, चोर कितने इंटेलिजेंट है यार, तेरे को कैसे पता कि मेरे पापा का नाम मनोहर लाल था? तेरी माँ। साले साले एक तो भिखारी आदमी, तेरे घर पे चुराने के लिए कुछ भी नहीं है बे। यार ये कैसा बंदा है, ये तो वही हिसाब हो गया, उल्टा चोर कोटवाल को डांटे यार। सोहेल जी मैंने आपको कहा था ना, चोरियां हमेशा अरब पति के घर पे होती है। अब मेरी इज्जत बचा ले यार, मेरे घर से 1 अरब रुपया चुरा ले। 1 अरब रुपया? अरे तो पहले बोलने का था ना, बहुत सारा सामान लगता है, गाड़ी लगती है, आदमी लगते है पैसा ले जाने के लिए। ओ यार वो सारी चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगा, तू बस कहीं से 1 अरब रुपए का इंतजाम कर ले। अच्छा तू मेरे को बहुत बड़ा येड़ा समझता है क्या? सोचता मैं झंडू फार्मेसी का लवड़ भास्कर चूरण हूँ क्या? साले मैं तेरे घर पे आया हूँ, मेरे को कुछ तो दे चोरी करने के लिए। ठीक है यार तू पहली बार आया, मैं तेरा मान जरूर रखूंगा। यही होता है, एक मेरे घर पे कोई आए तो मैं ना दूं यार, ये हो नहीं सकता। ये ले 320 रुपए। क्या बात है, अबे येड़े इसमें तो सिर्फ 20 रुपया है। नहीं नहीं 300 का ये पर्स भी तो है। साले साले निकल निकल, क्या है तेरे पास, निकल। ये डरा दिया मेरे को। माय गॉड ये गोली तो गलती से चल गई थी।
तो बता यार, मैं मर जाता तो बताता। तू मेरे को मरेगा? हाँ। ऐसे मरा जाता है। सॉरी अर्चना जी, स्क्रिप्ट में आगे कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग मर रहे हैं। अर्चना जी, हम अगली बार जन्म लेकर आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। अर्चना जी, इनका ये जन्म सफल हुआ कि नहीं? हंसाने की कोशिश अगले जन्म में ही करनी पड़ेगी तुमको। कृष्णा, योर एनर्जी वॉज इंटैक्ट, विच वॉज वेरी गुड, एंड आपका बिगिनिंग का स्टैंड अप वॉज अगेन वेरी वेरी गुड। उसके बुनियाद पर ही एक्ट वॉज ऑफ अ सर्टन स्टैंडर्ड विच आई एम यूज टू फ्रॉम यू, लेकिन डेफिनेटली देर इज अ कमी इन द स्क्रिप्ट। सो सुदेश, आप थोड़ा आई थिंक कहीं भूल रहे थे, तो शायद उसकी वजह से एनर्जी नहीं। मैं बहुत ज्यादा भूल रहा था। दिस वॉज द बेस्ट पंच ऑफ द एक्ट। तो सोहेल जी, कैसी लगी ये चोर पुलिस की जोड़ी? अगर हम लोग फिल्मों के हिसाब से बात करें तो पिक्चर चली नहीं है, लेकिन एक्टर कमाल के थे। फॉर अ हिट शो, फॉर अ हिट फिल्म, वो सब कुछ का एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए। सम एवरीथिंग शुड हैव इट्स ओन इक्वेशन एंड एवरीथिंग शुड बी कम टुगेदर। लेकिन मेरे हिसाब से द स्पिरिट दैट यू ऑल केम इन, दैट वाज फंटास्टिक। एंड अल्टीमेटली यस, आज नहीं तो कल, लेकिन आप लोग दोनों बहुत कमाल के एक्टर हो। तो सोहेल जी, आप इन्हें कितने मार्क्स देंगे? अर्चना जी, आप अपनी हॉट सीट पर जाइए। अब एक लोटे पानी में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? मतलब इतने मुहावरों में कोई हंसेगा क्या और हंसाएगा क्या? बट नो वरीज एट ऑल, कृष्णा और सुदेश की टीम से आ गई हैं प्रिया एज मुहावरे बेचने वाली और अथर एज कस्टमर। सो प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाय, हम सेनोरिटा। वो खुश हुआ जिसका टाइम मेरे साथ बीता। हाय सुरिंदर, उसे कितना मजा आया था ना ठेले के पीछे जब हम दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई थी। अरे मुझे तो गन्ने का जूस पीना था, लेकिन तुम जबरदस्ती आइसक्रीम देके चले गए। पता है, सारी आइसक्रीम पिघल गई, हाथ में सिर्फ कोन रह गया। पता है, उस दिन तो तुम चले गए, लेकिन पीछे से लोगों ने मुझे पकड़ लिया। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने छोड़ा ही नहीं। पता है, मैं तो अपने आप को पकड़वाने का बहाना ढूंढती हूँ। हाय सुहेल, पहचाना? अरे तुम्हारा तो मैं फिजिकल ट्रेनर रहा हूँ। हाँ, तुमसे भी तो मैंने जॉगिंग करवाई थी, भूल गए? अरे मैं तुम्हारा घड़ी लेके नहीं भागा था? तुमने क्या पकड़ा था, कसम से वो घड़ी मैं आज तक नहीं भूला। पता है, इस मंच पे भी मुझे तुम्हारे जैसे दिलेर का इंतजार था, लेकिन ये लोग दलेर को ले आए। मर्दों में हमारे सिवा सिर्फ एक दलेर ही है जो मेहंदी लगाता है। ये अर्चना दीदी, आपको पता है मैंने अपनी परफॉर्मेंस की सीडी सुहेल को दी थी। जो इसने चलाई है ना, कसम से पूरी सीडी के ऊपर स्क्रैचेस डाल दिए। ऐसे स्क्रैचेस डाले ना नींबू निचोड़ के। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गया कि मैं किस काम के लिए आया था। गरम गरम जलेबी मुझे भी खिला दो। रब बाप रे, मैं जलेबी कोना बेचू, मुहावरे बेचू सू? लेकिन बात तो जलेबी की कर रहे हो। अब के कर रहे हैं भाई, मतलब बहन, जब तक भड़कीले गाने ना गाओ भीड़ी ना लगती। एक्सक्यूज मी बहन, किसको बोला तुमने? हाँ, किसको बोला बहन? हाय, आई एम सेनोरिटा। वो खुश हुआ जिसका टाइम मेरे साथ बीता। अरे अर्चना बहन, एक तो धंधे बिछाई मंदी है, ऊपर से यो ना बंदा है ना बंदी है, पर जो भी है टेढ़ा है पर मेरा है। भाई देख, इतने सारे मुहावरे हैं मेरे पास, और तन्ने पता है मैं करैक्टर के हिसाब से मुहावरे बेचूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर करैक्टर ढीला हो तो? तेरे जैसा मुहावरा कोना हमारे पास?
अब यो बता कि तन्ने इनमें से कौन से मुहावरे का राइट चाहिए? अच्छा, शो मी समथिंग सॉलिड। अब तेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने मुहावरे थोड़े ना बेचूंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर वही दे दो, जहाँ चादर मिली वही पैर पसार लिया, नींबू निचोड़ के। भाई तू मन ने अपनी ख्वाहिश ना बता, सही कहावत है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। वाओ, वेरी गुड, ये दे दो मुझे, बुक कर दो। नहीं, ये ऑलरेडी शक्ति कपूर के नाम पर बुक है। ओहो, चादर भी हाथ से चली गई, और गई भी तो कहां, देखना पक्का ये चादर ना फाड़ के रहेगा। एक काम कर, यो ले, ये सूरी वाला ले ले। लेकिन दीदी, चूहिया में हमारे क्या इंटरेस्ट है बताओ? अब देखो ना, खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया, वही तो क्या इंटरेस्ट है हमारा चूहिया में। तो फिर सुरेंद्र वाला ले ले। नहीं दीदी, हम इज्जतदार लोग हैं। अच्छा ये बताओ, अर्चना दीदी का कौन सा है? अर्चना का, अरे उसका तो वो है ना, काम का नकाज का, 250 मन अनाज का। नहीं दीदी नहीं, हम तो कड़ी मेहनत के बाद कुछ खाना चाहते हैं, एकदम मेहनत मुशक्कत पसीना निचोड़ने के बाद कुछ मिले तो मजा आता है ना। मेरे पास और मुहावरे ना है। क्यों सुहेल जी, नींबू निचोड़ के? तेरे चक्कर में मेरे सारे मुहावरे खत्म हो गए, अब बस इतने मुहावरे बचे। अच्छा? चोरी का माल मोरी में है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, छछुंदर के सर पर चमेली का तेल, तू डाल डाल मैं पात पात। ओ वाह, मन ने पता था तन्ने यो तू ये डाल पर बैठेगा। इब यो मुहावरा ले और यहाँ से 9-2-11 हो जा। दीदी चला तो मैं जाता हूँ, लेकिन हम 9-2-11 नहीं, हमें 3-7-7 चाहिए। 3-7-7 बोले तो 377, लेकिन ये कौन सा मुहावरा है? ये मुहावरा नहीं दीदी, ये तो कानून की धारा है जो हमारे जीने का सहारा है। हाँ? सहारा? हाँ, आपको पता है मेरे घर से स्टेशन तक 210 नंबर की बस जाती है। हाँ? लेकिन हमारे लिए स्पेशल 377 नंबर की बस चली है। वाह भाई वाह, इसका मतलब जैसे साल में 365 दिन होते, तुम लोगों के लिए तो दिन भी 377 होंगे ना? हाँ दीदी, यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, जल्दी से मुझे नंबर दे दो वरना तुम्हारे गाल लाल करता हूँ, नींबू निचोड़ के। तो सोहेल जी बताइए, कैसी लगी ये मुहावरे बेचने वाली और कैसा लगा ये कस्टमर? पहले ये बताओ दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? देखो सच बोलना। हाँ, तू ही लग रहा है नींबू निचोड़ के। नींबू निचोड़ दिया। अदर मेरे भाई, ये आपका शो था, ये आपका एक्ट था। थैंक यू। पिया ने जो आपको सपोर्ट किया, दैट्स फैंटास्टिक। एंड जब आप अंदर आई ना, आई थॉट दैट यू वर रिजेंबलिंग समबडी, यू नो दैट एट दैट जूही मैम डज, आई थॉट दैट यू वर Exactly your dialect, the way you were speaking was like. अच्छा चलिए एक बार हो जाए प्रिया, करके बताओ चलो। अरे अर्चना, टेढ़ा है पर मेरा है। अर्चना जी अच्छी बात रही है, हमसे भी कुछ करवा लीजिए। बहुत मौका देंगे, don't worry, आगे बहुत episodes हैं। Thank you so much. But as you walked in only, I thought that you were reminding me of somebody. And then when you started dialogues, I said, she's doing a Juhi Chawla. But fantastic, fantastic. Both you guys, superb. Archana ji. I think jis daire mein aapko bandha gaya hai, us daire ke hisab se bahut acha likha gaya hai ye act. Athar, you are very good, jo aapne ikhtiyar kiya this happy, ecstatic gayness. Bahut contribute kiya aapne is act ko. You both are wonderful. Aapne pichle episode mein to kamal kiya, aur is episode mein bhi aapne bahut acha kiya. Aur aage bhi bahut bahut acha karenge. Jaisa maine kaha, bahut sare episodes hain. Aapko apna kamal dikhane ke liye ye manch bilkul sahi manch hai. जहाँ पर आप आए हैं, बट वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोहेल जी, आप इस एक्ट को कितने नंबर देंगे नींबू निचोड़ के? अर्चना जी 8 points। चलिए आपको 16 points तो मिल चुके हैं, आप अपनी हॉट सीट पर जाइए। उम्र 55 की और दिल बचपन का, ऐसे तो हैं हमारे बुजुर्ग अंकल जी।
मतलब बुढ़ा कपिल निकल चुका है अंकिता के डांस क्लास में डांस सीखने। अब देखना यह है कि बुढ़ा कपिल नाच सीखता है या आंगन टेढ़ा कहलाता है। सो प्लीज वेलकम हमारी लीडर जोड़ी कपिल एज बुढ़ा एंड अंकिता एज डांस टीचर। अर्चना जी, एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने नई डांस अकेडमी खोली है, और जब से मैंने डांस अकेडमी खोली है ना, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि कभी सोफे पे कवर, कभी कुशन पे कवर। बस अब यही उम्मीद है कि जल्दी से कोई डांस सीखने वाला आए और मेरे इन सारे खर्चों का भरपाया करे। डांस आप ही सिखाती हैं? जी हाँ। हैप्पी दिवाली। तुम कौन हो? आई एम वर्जिन। अरे बाबा, वर्जिन रामपाल नाम है मेरा। ये कैसा नाम है तुम्हारा? वर्जिन रामपाल, जैसे अपना शत्रुघ्न सिन्हा वैसे वर्जिन रामपाल। जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। खुल के कहूं? हाँ। तो ये एंकर कितना लेती है? क्या अब इससे ज्यादा खुल के कहूंगा फिर कहो कि लड़का ठीक नहीं है? एक सेकेंड, लड़का? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने बुड्ढे होकर अपने आप को लड़का कह रहे हो? कमाल की बात कर रही है यार तू। नहीं, बुड्ढा होकर क्या आदमी का जेंडर चेंज हो जाता है? आपको डांस आता है? डांस मेरे को आता तो मैं इधर का जलेबियां लेने आया हूँ। डांस नहीं आता मेरे को, कभी कभी बुखार आ जाता है। कभी कभी खूबसूरत लड़की को काले कपड़ों में देख लूं तो प्यार आ जाता है मेरे को। हम दो आदमी हैं। आपका क्या मतलब है? नहीं नहीं, मेरा मतलब दो आदमी एडमिशन लेंगे तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? आपको कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं मिलने वाला। मैं पूरे 6,000 रुपए लूंगी। 6,000 रुपया? तेरा दिमाग खराब है? 6,000 रुपया देखा कभी कितना होता है? लाखों रुपए से ज्यादा होता है 6,000 रुपया। ये अर्चना से पूछो, बेचारी 4 साल से ये शो कर रही है, अभी भी 6,000 पूरा होने में 350 रुपए बाकी है। आप वाकई में बहुत ही बदतमीज और बेहुदा किस्म के इंसान है। देखो दुनिया कितनी छोटी है, छोटी सी मुलाकात में कितना कुछ जान गई मेरे बारे में। मेरे ख्याल से हम अब अजनबी नहीं रहे सेनोरिटा। चलो इसी चक्कर में एक छोटी सी पप्पी ले लो। क्या? ए, बाबा कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा हूँ। और वैसे भी बुजुर्ग आदमी हूँ, कोई वैसे मतलब मन में कोई गंदगी नहीं है, सारी दिमाग में है। Shut up. मुझे आपको कोई डांस वांस नहीं सिखाना, आप यहाँ से निकल जाइए। जैसी तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी है ना मोहतरमा, 2-4 बार ऐसे डायलॉग बोलो, ये दोनों बंदे हमें खुद ही निकाल देंगे। ये आप क्या यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं? आपको चाहिए क्या? 2 ठंडी बियर। बियर? अरे ये डांस क्लास है बाबा। तो फिर क्या हुआ, 2 बियर पी के डांस करने का मजा ही कुछ और है। नहीं यकीन तो अर्चना को देख लो। वो कहाँ डांस कर रही है? अभी एक पिए ना, दूसरी पिएगी तो फिर देखना। सोहेल को कंधों पे उठा के ऐसे मदारी की तरह नाचेगी। शराब। देखो सबसे पहले अगर डांस सीखना हो ना जी, तो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ो। ओके ठीक है। और जब डांस की सबसे पहली फ्री छोड़ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी डांस की सबसे पहली मुद्रा, जिसे कहते हैं वेलकम मुद्रा। ओके। अपनी उंगलियों को ऐसे बंद करो और ऐसे। ये वेलकम है? हाँ। तो ये नमक पहले फेंक क्यों नहीं देती? नहीं मतलब अच्छा, ऐसे वेलकम करेंगे, नमक ऐसे आंखों में पड़ गया तो गेस्ट गुस्सा नहीं कर जाएगा? अरे बाबा ये सब मुद्राएं हैं डांस की, क्लासिकल डांस। मोहे पन घट पे राम लाल छेड़ गयो रे। ऐसे कपड़े पहन के पनघट पे जाओगी तो रामलाल राखी थोड़ी ना बनवाएगा। रामलाल तो छेड़ेगा ही, जाके किसी क्लब में जाओ, कोई तुम्हें सोहेल खान छेड़े, कोई सलमान खान छेड़े, कोई मीका पप्पी ले, उसको भी 4 मजे आए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैडम एक बात सुनो, जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम क्या चक्कर में पड़ी डांस सिखा रही लोगों को? देखो जाओ जाके भीख मांगो। मैं कहता हूँ मेरा नाम बदल देता, तुम 1 रुपया मांगो किसी से, अगर 100 से कम कोई दे गया तो मेरा नाम बदल देना। मुझे आज भी याद है, थाईलैंड में लड़कियां मेरे से भीख मांगने आती थी, 1 बाट मांग दी थी, मैं 100 बाट देता था। लेकिन ये भी सच्चाई है, भिखारी को 4 घंटे से पहले मैं जाने नहीं देता था। देखिए ये जो डांस होता है ना जी जी, इसमें ताल होती है, ताल। जैसे लेकिन था में से ना थाई अलग कर दो। थाई में मुझे एक ही चीज पसंद है, थाई मसाज। थाई मुझे आज भी याद है, मैंने थाईलैंड में जब मसाज कराई, मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ गए थे, सालों ने मेरी टांग रख ली।
यानी आपकी एक टांग नकली है? एक टांग नहीं मैडम, मेरी दोनों टांगे दोनों बाजू, मैं सिर्फ इतना ही ओरिजिनल हूँ, बाकी बॉडी मैंने असेंबल करवाई हुई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ तमीज से बात करो। पिछली बार एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसकी बड़ी बहन ने, चिल्लाओ मत, तुम्हारी भी बहन जैसी है। अपनी डिसिप्लिन में रहो, ये डांस क्लास है, समझे? क्या कह रही थी, डिसिप्लिन में रहो? हाँ। मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन आता तुम्हें? तुम्हें पता मैं 15 साल बॉर्डर पर रहा हूँ, और 15 साल में 5 साल तो मेरी सिर्फ लड़ाई हुई, लड़ाई की मैंने 5 साल। मैंने बड़े दुश्मन मारे, सबसे पहले मैंने अपने अंबाला वाले चाचा किशन लाल को मारा, साला गांव में हमारी 65 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा करके बैठा था। मैंने भी एक एक करके 6 गोलियां मारी, और मरते मरते भी साला चुटकुले सुना रहा था, कहता यार गोली तो आज लगी असली, ये क्रोसी नैना सीन में कुछ नहीं है। उसके बाद आर्मी ने मुझे निकाल दिया था। क्यों? ऐसे ही बस जंग लगी थी, एक दिन मैं मोर्चे पे बंदूक लेके बैठा हुआ, दुश्मन की गोली आई, सीधी आकर ठप करके मेरी टोपी में लगी। मैंने कहा भी वर्जिन रामपाल, समझदार को इशारे काफी निकल ले, मैं फिर निकल गया। लगता है ये बुढ़ा सटिया गया। देखिए मैं आपको डांस नहीं सिखा सकती, आप प्लीज ऐसे जाइए। मुझे कह रही तो और किसे कहूंगी यहाँ? मैं डांस सीखने आया था, मैं तो घर से दही लेने आया था मैडम, मैं तो शुल्म शौचालय ढूंढ रहा हूँ, है किधर, मेरे को पैसे निकलवाने हैं। एक सेकंड, एटीएम से पैसे निकलते हैं? उन्हें मेरे को पता एटीएम से निकलते, लेकिन मेरे सुबह उसमें गिर गए थे। तो मैं वो निकाल के दही लेने, तो वैसे तुम ये काले कपड़े पहन के क्या लौंडों के सामने नाच रही हो? अच्छे घर की लड़की लगती हो, कोई डांस वांस अच्छा करती हो, डांस स्कूल खोलो, किसी को डांस सिखाओ, पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, दफा आ जाओ। अगो भाई, ये कैसे कैसे लोग कहता थे डांस सिखाला, डांस वाली मालकिन को पता चलेगा तो वो तो बेचारी चक्कर की गिर ही जाएगी, कि ऐसे लोग भी डांस सीखने आते। माला काय करायचं, मी तर आपलं काम करते आणि जाते घरी। क्या बात है। तो अर्चना जी, कैसा लगा आपको ये डांस क्लास, और कैसे लगे हमारे वर्जिन रामपाल? That was a nice original touch. You know, ये हमारा पहला एपिसोड है नया दौर का, स्कोरिंग जहां पर हो रही है, सो थोड़ा मुझे अभी क्रिटिकल होना पड़ेगा। कपिल, आपके हमेशा ही परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे तो अक्यूज़ भी किया जाता है कि आप मेरे फेवरेट हैं, जो कि काफ़ी हद तक हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अंकिता जो आपका पार्टनर है जिसका नाम है कपिल, ये एक पेट्रोल इंजन की तरह है, ही गोज़ एट एन अमेजिंग स्पीड, इनका पिकअप कमाल का है, इनकी रफ्तार कमाल की है, इनकी टाइमिंग कमाल की है, समवेयर आई फील दैट हल्का सा आप डीजल इंजन की स्पीड पकड़ रही हैं, सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ मिस मैचिंग इन द टाइमिंग, एंड आई एम होपिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कोर्स यू गोइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट, बट द एक्ट वॉज वेरी इंजॉयबल बट नॉट माइंड ब्लोइंग लाइक आई एम यूज टू, सो आई एम गोइंग टू होप फॉर बेटर नेक्स्ट टाइम। तो सुहेल जी, आप इस एक्ट के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब मैं आपको पॉइंट दूंगा तो मुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा है कि आप, मैं अभी जज बन गया हूँ। पहले लास्ट 2 एपिसोड में मैं इंजॉय कर रहा था, ना कोई प्रेशर था पॉइंट्स का, मतलब मुझे यहाँ सीखने को मिल रहा था, दैट ऑल यू गाइस आर सो टैलेंटेड। कपिल मियाँ, जो मैंने आपके पिछले 2 एक्ट देखे थे उससे ये थोड़ा सा नीचे था। आई नो द ब्रिलियंस ऑफ दिस पेयर एंड आई थिंक दैट दे विल डू मच बेटर। आई लव हिज नेम वर्जन रामपाल। एक्चुअली मैं तो वहाँ से टेक ऑफ हो गया था। इट्स अ ग्रेट एक्ट बट आई जस्ट बिलीव दैट दीज टू, जितना मैंने इनका पहला देखा है, दे हैव गॉट ग्रेट पोटेंशियल टू हिट द डबल डिजिट्स। तो सोहेल जी, आप लगे हाथ इनके स्कोर्स भी बता दीजिए। तो अर्चना जी, आप इस जोड़ी को कितने मार्क्स देंगी? 8 पॉइंट्स। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, वैसे सचिन भी हर बार सेंचुरी नहीं मारता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से अच्छा सा ट्राई करेंगे। प्लीज अपने सीट्स ले लें। कभी कभी 4 आने की मुर्गी पर 12 आने का मसाला लग जाता है, यही हुआ हमारे मंत्रा के साथ। बेचारे निकल चुके हैं फेसबुक के फ्रेंड के साथ डेट पर, लेकिन ये जो है, ये जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं। तो कपिल और अंकिता के टीम से बुलाते हैं मंत्रा और विशाखा को। ओहो, तुम्हारी सूरत देखते ही मजा आ गया। अरे सोहेल भाई, सब कुछ बढ़िया, गुड टू सी यू अगेन। अर्चना जी, कल क्या हो गया था?
अब आप बोल रही थी वहां पे सोना महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, आजकल पूरी एक बोतल लग जाती है सोने के लिए। ऐसा क्या हो गया, क्यों पीती हो इतना दूध? अब क्या मतलब कंपटीशन दोगे सोहेल भाई को डोले शोले बनाने में? आई स्वेयर आप दोनों को देख के लगता है कि शो का नाम कॉमेडी सर्कस का नया दौर से बजाय कॉमेडी सर्कस का नया जोर होना चाहिए था। है कि नहीं सुरेंद्र? अरे बड़ा मासूम आदमी है यार, आप जबरदस्ती में इसके मजे ले, तो बहुत मासूम आदमी है। कल मेरे से आके बोलते यार भाई ये एक रुपए का सिक्का कितना डेंजरस होता है ना, मतलब अगर गले में अटक जाए तो जान जा सकती है, और अगर कहीं और अटक जाए तो पागल मानो बोला कहीं और अटक जाए तो सिक्का निकालने में प्रॉब्लम होती है, जेब में अटक जाए तो। मैं यार सुरेंद्र भाई मैं समझता हूँ, मैं पता नहीं आपका दर्द समझता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता कितने जो भी आता बेइज्जती करके निकल जाता है इनकी। नहीं अब देखो पॉइंट ये है कि बेइज्जती और बीवी जब तक दूसरे की हो तब तक ही अच्छी लगती है। करेक्ट। दोनों के बीच में फर्क है ना, क्योंकि बेइज्जती तो एक दो मिनट के लिए होती है लेकिन बीवी तो साल भर रहती है तुम्हारे साथ। बीवी से मेरे को याद आया, फेसबुक पर एक लड़की बताई है, मिलने के लिए बुलाया उसे, जैसी लगती है। मैं भी यही कह रहा था, इट्स वाओ, लेकिन अभी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, यही कहीं से आने वाली थी, वाओ इधर आओ। हेलो अर्चना जी। हेलो। मैंने ना फेसबुक पे एक लड़का बताया है और आज आज उसके साथ मेरी पहली फर्स्ट डेट है, ये वाला। ए, ये तो मेरी फोटो है। तुम्हारी? हाँ। लगती तो नहीं है। अरे तब की फोटो है जब मैं सोहेल खान हुआ करता था। हाँ। और ये क्या है, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता हूँ, ये क्या है, कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन नहीं, करीना कपूर का फोटो लगा के बेवकूफ बना रही मेरे को। अरे छोड़ो, वैसे तो मैं बिपाशा की फोटो लगाने वाली थी लेकिन तुझे नहीं यार, बिपाशा के फीचर मुझसे कुछ मिलते नहीं है इसलिए फिर करीना की लगा ली। अरे शम्मी कपूर की बॉडी पे करीना कपूर का फोटो लगा के घूम रही है, पागल औरत, बेवकूफ समझती है मेरे को। ए, तुम मुझे करीना से कम मत समझना, समझे? अबे तू करीना से कम हो भी नहीं सकती। अबे आपको देखा है तूने कभी गौर से, खली का बीन बैग लगती है जिसपे बैठ के आराम करता होगा। तुम शायद मुझे पहचानते नहीं हो। अच्छा? लेकिन सोहेल खान मुझे अच्छी तरह से पहचान लेते, मैं विशाखा कैफ हूँ, विशाखा कैफ। विशाखा कैफ? अबे तेरा नाम विशाखापट्टनम होना चाहिए था। मैं तेरे को बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, हाँ। अगर तेरे को मौका मिल जाए मेरे साथ डेट पे जाने का तो तू चलेगी पक्के पक्के में? हाँ, लेकिन ये तो पूछ, ये मेरा नाम विशाखा कैफ किसने रखा? तूने नहीं रखा, किसी और ने रखा। किसने रखा विशाखा कैफ तुम्हारा नाम? सलमान ने। अगर भाई कटरीना के साथ उनका बदला लेना चाहते थे तो उसे काला पानी की सजा दे सकते थे, ये क्या तरीका हुआ बदला लेने का? ये कोई बदला बदला नहीं है, समझे क्या? उन्होंने मुझे अगली फिल्म में हीरोइन के तौर पर साइन कर दिया। अच्छा, और क्या डायरेक्ट कौन करेगा तेरे को? सोहेल खान, बस उनको पटा लेना है। ए बेवकूफ, किसी और को बनाना, ये इसकी चोरी पकड़ी गई, मेरे को मालूम है सोहेल भाई की अगली फिल्म में कोई फीमेल कैरेक्टर है ही नहीं। ए झूठ बोलता है, कल ही इन्होंने अर्चना जी को साइन कर दिया है। अरे पागल, वो तो हीरो के चाचा का रोल कर रही है। लेकिन सोहेल जी, आप अपनी फिल्म में मुझे रोल दे रहे हो ना, या मैं धक्के से रोल ले लूं? एक सेकंड सोच लेना, अगर हीरोइन बन गई तो मेरे तो लाले न्यारे हो जाएंगे। डार्लिंग, ओह डार्लिंग, आओ तुम डिनर के लिए आयो, मैं तुम्हें डिनर के लिए पूछना। ए वेटर, पांच कुर्सी लाना, पांच। पांच कुर्सियां क्यों? एक मेरे लिए भी है ना, तू अब तब तक के दो पे टिका। दो पे इतनी मोटी नहीं हूँ मैं। हाँ, और आगे की किस्से सुना। अच्छा ये बता, हाँ। तुम शादी क्यों करना चाहते हो? मैं शादी, अरे यार रोज के 500-700 कौन खर्चा करे, पागल है क्या? अरे बहुत दूर रहता हूँ, टैक्सी से 500-700 लग जाते हैं पगलों में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई चक्कर? पागल हो गई है क्या? अपन ये परमानेंट मोबाइल फोन के चक्कर में पड़ते नहीं है यार, अपना क्लियर कट सिस्टम है, लोकल एसटीडी पीसीओ, सिक्का डालने का, बात करने का, टॉक टाइम खत्म, व्हाट ले। लेकिन ये तुम गर्लफ्रेंड रखने में विश्वास क्यों नहीं कर सकते? नहीं, है थी यार, लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया। अच्छा क्यों? धोखेबाज निकली यार। अच्छा। मेरे को बोल के गई थी कि एक घंटे बाद आएगी, 15 मिनट में आ गई चली। और मैं किसी और के साथ था, फंस गया वहाँ पे यार। अच्छा, तो ऐसे चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। हाँ, क्या चोरी? कुछ हमारी बातें करते हैं। हाँ? हनीमून की। हनीमून? हम दोनों ना जुहू बीच पे हनीमून जाएंगे, वहाँ मैं बीच पे लेट जाऊँ। जुहू बीच पे लेटने का चक्कर नहीं पलना, लोग वहाँ पर बोलेंगे ये देखो व्हेल मछली धूप सेकने आ गई। क्यों ऐसे
की बातें करते हो। अच्छा रुक जा, मैं तेरे को एक अच्छा रोमांटिक सा किस्सा बताऊं। हाँ। अपन दोनों मरीन ड्राइव चलेंगे। अच्छा। ऐसे हाथों में हाथ डाल के, ठीक है, ऐसे चलेंगे, मैं साथ में लठ लेके घूमूंगा पूरा एक। अच्छा मुझे कोई छेड़ेगा तो उसे मारने के लिए। पागल है, ऐसे समझ में आना चाहिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं करूंगी मैं तुझसे शादी। अबे साले तो मैं हीरोइन बनकर पैसा कमाऊंगी, ऊपर से तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जा, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करोगे तुम। अरे क्या क्या छेद की बात कर रही है तू? नाना कौन से छेद की बात कर रही है? आज के जमाने में कौन है जो छेद नहीं करता, मेरे को ये बता। अरे ये सुरेंद्र को देखो, अरे जिस तपले के चक्कर में इसकी दुकान चल रही है उसी को मारता रहता है। ये है थाली में छेद, ये है। और कौन है? और ये से देखो श्वेता को। अरे पिछली बार कंटेस्टेंट बनकर आई थी, इस बार एंकर बनके बैठी, अगर नहीं बुलाते तो सामने आग में रहकर बैठ जाती। ये है थाली में छेद। अरे कौन से थाली में छेद की बात कर रही हो तुम? अगर एक ही इंसान है, एक ही इंसान है जो थाली में छेद नहीं करता अर्चना जी, पूछो क्यों? अरे वो कुलचे के साथ थाली खा जाती है। अच्छा है, अच्छा है, ना बचेगी थाली ना होगा छेद। बाप रे, समझ रही है? तो थाली में इतने छेद कर दिए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि खाएगा से और गिराएगा से। अच्छा अच्छा अच्छा। I am very impressed. Thank you. मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पक्का? तो पप्पी दे दे। चल हट। अरे पप्पी दे। नहीं। अरे देना। नहीं ना। देना। नहीं। तो छोड़ फिर। छोड़ दिया? हाँ। अबे मना करो तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूँ? हाँ। अबे लोग अपने पैर पर कुलाड़ी मारते हैं, मैं अपना पैर कुलाड़ी पे मारूंगा? अरे इससे अच्छा ये नहीं कि मैं अपना एक्ट यहीं खत्म कर दूं? बस करो, बजाओ ताली इसी बात पे। अर्चना जी, इन मंत्र ने तो मुझ पर मंत्र चढ़ा दिया है, आपको कैसे लगी ये डेटिंग? पहले ही पता श्वेता कि तुम आगे बैठने वाली थी अगर एंकर का रोल नहीं मिलता तुम्हें। अगर ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिले तो मैं आगे क्या बैठूं, यही आगे बैठ जाऊं मैं। पर ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। यू बोथ आर सो वंडरफुल, द एक्ट वाज वेरी एंजॉयबल और नाना वाज अमेजिंग, मंत्रा वेरी गुड। जहां तक टाइमिंग का हिसाब है, आप दोनों की टाइमिंग 19:20 हुई जब तक आप नाना नहीं बने, और उसके बाद योर टाइमिंग अगेन पिक्ड अप। वेरी वेल डन। थैंक यू। तो सोहेल जी, आपका क्या कहना है फेसबुक से फेस टू फेस आने वाले इस कपल के बारे में? आई एम तो अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज, व्हाट आई हैव सीन ऑन दिस लास्ट टू एपिसोड्स, बट इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ये जो आज का एपिसोड है इट्स अ वेरी प्रिसाइज एपिसोड, इट हैज इट्स लिमिटेशंस है कि आपको मतलब वही फेसेस यूज करने हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हैविंग दोज रिस्ट्रिक्शंस, आपका जो फ्लो था वो कमाल का फ्लो था। आई फेल्ट इट वॉज अबव ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट, but you guys pulled it off fantastically. Thank you. तो चलिए इसी के साथ आप इनके स्कोर्स भी बता दीजिए। Nice. अर्चना जी, सोहेल की जेनरोसिटी से इंप्रेस मत हो, अपने आप से इंप्रेस मत हो, मैं आपको दूंगी बिकॉज आई नो यू कैपेबल ऑफ सो मच मोर। थैंक यू वेरी मच भैया। इन स्कोर्स के बाद मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जाको राके जजेस मार सके ना कोई। जय हो जजेस बाबा। तो बस अपनी सीट पकड़ के रखिए। चलो माता, चलते जाओ। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भाई ये मुहावरा तो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ दाना कोई भी हो पर खाने पर बस एक ही का नाम लिखा हुआ है। लेकिन आज अर्चना को एक कांटे की टक्कर देने आ गए हैं एक पंडित जी। अपना तो छोड़ो, कौए का भी खाना खा गए। सो प्लीज वेलकम हमारी लीडर जोड़ी भारती एज विधवा पत्नी एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। इतना रोई की तबीयत खराब हो गई। सो सुहेल जी, ये क्या है यार? मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ, हे भगवान, ये क्यों बनाया मुझे इतना सेक्सी? क्यों बनाया? पता नहीं क्यों बनाया मुझे इतना सेक्सी कि लोग फ्री में जजमेंट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बस आप शादीशुदा है ना, आप क्या समझते कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ आ जाएंगे तो मैं आपके साथ आपके घर चल पड़ूंगी? नहीं, होटल ही ठीक रहेगा। लेकिन आज नहीं प्लीज, कल। मैंने एक पंडित को खाने पे बुलाया है। हाँ, यही करे,
छोड़िए मुझे, आप एक अबला किनारी के साथ क्या कर रहे हैं, मेरे पति मर चुके हैं, अच्छी तरह पकड़ो ना, छोड़ो मुझे, मजा ही आ गया था, छोड़ो मुझे, फटाफट केक काटो चलो। केक? हाँ। तूने क्या शादी में बुलाया है? मेरे पति की मौत बर्थडे वाले दिन ही हुई थी। ए, जरा बर्थडे का म्यूजिक दो। बजाओ बजाओ भाई, तेरे को पैसे मिलते हैं ना सुरेंद्र, बजा थोड़ा तू। अरे एक केक तो पूरा फीका है, मीठा कुछ भी नहीं है। साले मेरा पति मर गया, तुझे मुंह मीठा करना है? अबे तूने तो कहा था कि केक खा, कुछ खाना तो दो खाने को, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पक्का ना? एकदम पक्का। छोड़ो मुझे, पंडित होकर ऐसी हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कौन पंडित, मैं कुछ पंडित पीड़ित नहीं हूँ। अरे मेरे खुद के भी बच्चे बाढ़ में बह गए और 3 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। चल निकल यहाँ से। कुछ तो दे दो। निकल यहाँ से। स्टार्टर्स तो दे दो। साला निकल यहाँ से। निकल। यही होता है एक सेक्सी विधवा के साथ, हर कोई बुरी नजरें डालने आ जाता। क्या करूं मैं, एक तो ये सेक्सी जवानी, ऊपर से ये तन्हाई, किसी को मना भी नहीं किया जाता। पता क्यों देखते मुझे ऐसे सोहेल जी? क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। आपको पता है ना भाई क्या होता है? पता है तो मैं अपने भाई की शादी मुझसे क्यों नहीं करवाते हैं? चलिए खैर, वो जाने दीजिए। किसी ने कहा है कि पंडित को चाहे ना खिलाओ, कौए को जरूर खिलाना चाहिए। ये अब कौआ कहाँ से ढूंढूं? अरे हमारी तो छत पे बैठता है, अभी बुलाती उसको। आओ आओ आओ। बंद बंद कर। कौन रे? कौन रे? कबूतर की स्टाइल में कौवे को बुलेना लाए, कौन कौन है वो? अरे तेरे को मालूम नहीं मेरे को डिस्टर्ब क्यों किया? मैं सीरियल देख रहा था ना। सीरियल? हाँ। कौन सा सीरियल? क्रो की सास भी कभी बहू थी। कौवे ऐसे सीरियल तो आते रहते हैं। आज मैंने तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। अबे मेरे को नहीं तेरे को खाना खाना, पहले तो कंकर मार के घर से उठाती है, अब खाना खिला रही है, और मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है बे। तू कहीं मेरा कौवा बिरयानी करके खाई तो? भी एक अबला नारी के साथ। अबे चुप, अबला तबला तबला तबला, तेरी नस नस से वाकिफ हूँ मैं, समझी ना? भगवान झूठ ना बोला है, झूठ बोले कौवा काटे। सोहेल जी इसके घर में कौन कौन आता है अपन झांकता है मालूम? बताओ बताओ। क्या? वो वॉचमैन, वो पेपर वाला, वो दूध वाला, वो सोहेल लाला, ये तबला वाला। चुप कर। कौवा होके ऐसी वलकर बात करता है, अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को। सच्ची? हाँ। क्या मेरा प्रॉब्लम ही है? क्या अर्चनी हैंडसम कौवा हूँ ना मैं? लड़कियां पीछे पड़ जाती है मेरी। अभी देखिए मैं ऐसा खड़ा हूँ ना, देखिए पीछे एक लड़की खड़ी है, अभी खड़ी है, देखिए। तो मेरा प्रॉब्लम ही है, क्या करूँ? दो मोरनी और कबूतरी कभी भी आ सकती है मालूम आपको, कभी भी। अरे तू तो बड़ा टैलेंटेड है। मैडम उसको टैलेंट नहीं, उसको कैपेसिटी कहते हैं ना, कैपेसिटी। कैपेसिटी वैपेसिटी छोड़, इधर आ। तो कौवे लोग सब एक जैसे होते हो, फिर अपनी वाइफ को कैसे पहचानते हो? अरे कर दी ना इंसानों वाली बात। अरे ये ऊंच नीच जात पात सब तुम लोगों में, कौवों में फिर एक ही स्टाइल होता है। हाँ। जो जरूरत में काम आए वही असली बीवी। क्या जरूरत में काम आया? हा? मतलब खाना बनाना, पंख दबाना, सेवा विवाह करना, ऐसा बोला मैं। ऐसा वैसा बोला मैं। खाना खा और निकल यहाँ से चल। ए निकल क्या? निकल यहाँ से? मैं क्या कॉमेडी सर्कस के एंकर हूँ क्या, जो एक एपिसोड के बाद निकल जाए? अरे इधर पार्टिसिपेंट का एलिमिनेशन शुरू नहीं हुआ, एंकर का एलिमिनेशन शुरू कर दिया है लोग ने। अरे वो पहली बार तो नई नई थी इसीलिए निकाल दिया। वो नई थी? हाँ। तो सोहेल भाई भी नहीं है ना? एकदम न्यू कमर। इसका मतलब सुहेल भी अगले एपिसोड में। चल रोना छोड़ दे, क्या मेनू क्या है पता मेरे? अरे भाड़ में जाए तेरा मेनू। क्यों? अबे तेरा पति? अरे जो मर गया वो डर गया, जो सामने है उसे तो एंजॉय करवाऊं।
चलते हैं क्या आज डेट पे? सुहेल जी आपको क्या लगता है, आप जाना चाहेंगे डेट पे? जरूर, फंटास्टिक। नहीं बट भारती सीरियसली, आपके जो चेंज ओवर्स है ना आपके परफॉर्मेंस में, मतलब कमाल के थे। इन द सेम ब्रेथ, वो एक ही सांस में आप जो सिडक्टिव से आप एक भारतीय नारी बन जाती थी, फिर भारतीय नारी से यू नो बिकेम अ सिडक्टिव, एंड सिद्धार्थ गिव यू ग्रेट सपोर्ट। और वो और वैसा ही होना चाहिए, यू नो जब कोई जोर में है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जब ये कौवे बन के आए, यू नो हिज लाइंस वर डोमिनेटिंग एंड देन यू गेम फुल सपोर्ट। सो एज अ टीम यू गाइज आर फंटास्टिक एंड यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंसेज। आपने जो वेरिएशन लेके आए, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। अर्चना जी, आपका क्या ख्याल है इस एक्ट के बारे में? आई थिंक यू बोथ पैक्ड द पंच। आप दोनों की परफॉर्मेंस, आप दोनों ने जो वेरिएशन दिया है इस एक्ट में, वो कमाल का है। दोनों की परफॉर्मेंसेज ने ही स्क्रिप्ट को उठाया है। पंचेस कम थे लेकिन आपने उसमें अपना सेक्सीपना डालकर उसको उठाने की कोशिश की। लेकिन ये सब भारतीय हमने देखा है एंड यू हैव डन इट ऑल्सो। सो मैं स्क्रिप्ट से थोड़ा मायूस हूँ, लेकिन आप दोनों की परफॉर्मेंसेज से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। यू बोथ वर अमेजिंग। तो अर्चना जी, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? हालांकि मैं आपको पहली बार पॉइंट्स दे रही हूँ, आई विश मैं आपको पिछले परफॉर्मेंस के लिए पॉइंट्स दे सकती, लेकिन मैं सख्ती से ही ये दे सकती हूँ, 7 पॉइंट्स। सुहेल जी, देखिए वेरी ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा ये जो मॉर्बिड ह्यूमर होता है, डार्क ह्यूमर होता है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि अगर कोई आदमी गिरता है तो मैं हंसने लग जाता हूँ। अब लोग झूठ बोलते हैं कि और वो हंसते हंसते अपना मुंह छुपा देते हैं, लेकिन यस जब मैंने वो देखा कि आपके पति मरे थे और जैसा बिहेव कर रहे थे, फिर ये जो पंडित आया, फिर कौवा आया, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट दैट्स व्हाट आई लाइक इन कॉमेडी, देयर शुड बी नॉनसेंस, अदरवाइज देयर इज नो कॉमेडी इफ इट इज यू नो सीरियस। मैं आपको तो कुछ ज्यादा देना चाहूंगा, लेकिन वो मैं सोचूंगा मैं एंड तक रखूं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए 9 पॉइंट्स। सिद्धार्थ, आपके पहले पॉइंट्स थे जरूर, लेकिन आखिरी नहीं, आगे बहुत सारे एपिसोड्स हैं और आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तब तक के लिए प्लीज। ऐसा हर बुराई की जड़ है और आज हमने इस बुराई को जड़ से ही खत्म कर दी। दुनिया से पैसा खत्म हो चुका है और ऐसे में एक बाप अपनी बेटी की शादी करने चला है, मतलब इस हाथ ले और उस हाथ दे तरीके से। सो प्लीज वेलकम भारती सिद्धार्थ की टीम से सूरी एज फादर एंड माही एज वेरियस कैरेक्टर्स। अपनी होगा पैसा पैसा, क्योंकि करेंसी हो गई है बंद। अब तो चलेगा बार्टर सिस्टम, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे। सोहिल भाई, मुझे तो 2 साल पहले पता चल गया था करेंसी बंद होनी है, क्योंकि जब चवन्नी बंद होनी थी ना, उसके बाद ये पता चल गया था कि करेंसी बंद होनी होनी है, क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरी पत्नी ने मेरे को पप्पी देने से मना कर दिया। उसके 2 साल बाद प्रोडक्शन बंद हो गई, एक ही बेटी हो पाई हमारे। वैसे अर्चना जी, एक खुशी की बात है आपके लिए नहीं मेरे लिए, मैंने अपना नया घर बना लिया है, बस रंग करवाना रह गया है, क्योंकि ना मैं थोड़ा ना रंगीन किस्म का आदमी हूँ। और सोहिल भाई, घर मैंने बनाया है बिल्कुल गैलेक्सी अपार्टमेंट जैसा। वहाँ पे सलमान खान, यहाँ पे बलवान खान। जब सलमान खान शर्ट उतारती है तो लड़कियाँ कहती है ओ माय गॉड, और जब मैं शर्ट उतारता हूँ लड़कियाँ कहती है ओ माय गॉड, तो अभी भी जिंदा है। वैसे मैं बड़ा परेशान हूँ जी, जिसकी लड़की बड़ी हो तो परेशान क्यों ना हो। ऊपर से मैंने अपनी लड़की का नाम रख दिया मैना, पर किसी बात में ना नहीं करती, आई नहीं अभी तक, पता नहीं कहीं कर रही होगी कि एक हाथ दो एक हाथ लो। आ जा पापा, पापा मैं आ गई। तो क्या मैं नाचूं? ऐसे नहीं नाचना, मेरी सहेली कह रही थी तेरे पापा जू के बंदरों की तरह नाचते हैं। अच्छा, तेरी सहेली ने मेरा टैलेंट देख लिया, पर इस माँ बेटी ने आज तक मुझे उस नजर से देखा है जैसे मैं छुछुंदर हूँ। वैसे मेरी बात सुनो, तुम्हें कितनी बार कहा कि तोते के साथ मत घुमा करो मैना। पापा मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, प्रैक्टिस के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे ससुराल वाले आपको बोलेंगे कि लड़की को कुछ सिखाया भी नहीं। अच्छा, बड़ी टैलेंटेड लड़की है अर्चना जी। कर मेरे घर में ना लेनदार आगे लेने के लिए कुछ,
तो ये मेरे को बोली ऐसा करो वॉश मशीन वाले पाइप से निकल जाओ मैं संभाल लूंगी। पता नहीं इसने कैसे संभाला, आज फिर उनका फोन आया कहने लगे भाई साहब हम फिर से लेंदर बनना चाहते हैं। वैसे मेरी बात सुनो, तुम शरीफ की लड़की हो, अच्छे ढंग से रहा करो। मैं शरीफ अंकल की बेटी हूँ? नो वंडर वो मुझे गोदी में खिलाते रहते हैं, घुलाते रहते हैं। पापा, अंकल, मैं शरीफ अंकल की बेटी हूँ। देख लो सोहिल भाई, अब इसके हाथ पीले करने आज मेरे को अंकल बोल गई। वैसे करे भी का, इन बाबा लोगों का पंगा है, इन्होंने ब्लैक मनी बोल के इतने करंसी बंद करा दी कि आज पंगा पड़ गया है। वैसे बाबा लोगों को क्या पता शादी क्या होती है, इन्होंने कौन सा दहेज देना होता है। जी, सुनते हो, हमारी मैना वो तोते के साथ भाग गई। क्या बोला? हाँ, हमारी मैना भाग गई। तो ऐसा करते हैं, उसको जाकर पकड़ते हैं, अगर उसने तोते के साथ शादी कर ली और अगर उसके बच्चा हो गया तो क्या? तो लोग कहेंगे पोपट हो गया, पोपट हो गया, पोपट हो गया। ऐसा करते हैं, मैं जाके देखता हूँ कहाँ है। अभी यहाँ पे ना वो लड़के वाले आ रहे हैं उसको देखने के लिए, तुम सारा संभाल देना, मैं अभी आया। हे जी, कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी में गई है, पैदल कहाँ निकल रहे हो? तो फिर क्या बात है, मैं भी बड़ा कुत्ता हूँ, कुत्ते पे बैठ के शॉर्टकट से निकल जाऊंगा। हाय सोहेल जी, मुझे अपनी पिक्चर में लेंगे क्या? वो करेंसी के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था ना प्रोड्यूसर और हीरोइन के बीच। खैर, अब बड़ा ओपन हो गया, कॉमन हो गया, अब मुझे हीरोइन नहीं बनना। ये है ना बड़े अजीब है, शादी पे आते कुत्ते पे, घोड़ी पे बैठे तो घोड़ी ने बोला भतीजा तो आ गया, दूल्हा कहाँ है? और तो और मंडप से बिल्ली उठा के ले गई। ये समधी जी आने वाले थे, कहाँ रह गए? हेलो, घर में कोई है? नहीं कोई नहीं है, आ जाओ। अरे समधी जी आप, मैं समझी। आप जो मर्जी समझो, मैं सेम फीलिंग दे दूंगा। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं जी, मैं कह रहा हूँ पाँव पड़ता हूँ जी। एक्चुअली ना मैं बड़ा टची किस्म का आदमी हूँ, टचिंग किस्म का, मैं जल्दी टच कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पति की छोटी हाइट है ना, मेरे पापा ने मरते वक्त कहा था कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए। मैं आपकी खातिरदारी कैसे करूँ समधी जी? घर में सच में कोई नहीं है। मेरा मतलब अगर आपके पति होते तो थोड़ा खुल के बात कर लेता। एक्चुअली ना औरतों के साथ अकेली बातों करने में मैं यकीन नहीं रखता। आप इस बातों को छोड़ो, ये बताओ कि जो आपको मैंने दहेज वाली लिस्ट दी थी वो ध्यान से पढ़ ली है? तो वो पढ़ लेना, सामान की लिस्ट चेक कर लेना और मैं भी देख लूंगा कि सामान बड़ा सामान की लिस्ट तो देख ली, आप क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं जी, मैं भी सामान ही देख रहा था जी, चेक कर लूंगा। अच्छा तो आप कर लेना, मैं चलता हूँ जी, फिर मुझे और भी काम करने। पाँव लाओगी जी? अर्चना जी देखा, बाप इतना डर गया तो बेटा कैसा होगा? मैं इसके पापा को फोन लगाती हूँ। हेलो जी, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ न्यूज चैनल में। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बताऊँ तुम्हें, जिस कुत्ते पे बैठ के मैं आया था उसने मुझे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। हेलो सुनो तो सही, वहाँ पे न्यूज चैनल वाले आ गए, उन्होंने न्यूज कवर चेक कर ली कि कचरे के डिब्बे में एक नवजात शिशु मिला। तो अपनी असलियत बता देते। कैसे बताता, मौका ही नहीं मिला। तभी वहाँ पे चार औरतें मुझे दूध पिलाने के लिए आ गई बोतल में। इतना दूध पिया, अब तो सुसु में भी दूध ही आ रहा है, क्या बताऊं। हेलो, वो दहेज का क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ, तुम खुद ही संभालो, जो करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। हाय, मैं कैसे आदमी के साथ फंस गई। अर्चना जी देख रही हैं, सोहेल जी मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, बड़ी संस्कारी बहू, बाजारों में घूमने वाली बाजारू औरत थोड़ी ना, जिसके घर में रहती हूँ उसी के घर में रहती हूँ, पूरा काम करती हूँ, कई बार तो पता भी नहीं लगता किसका घर है, जब पकड़ी जाती तो पता चलता सोहेल खान का घर है। हेलो, अगर एक्ट खत्म हो गया तो कमेंट भी खुद ही ले लो, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। तो सोहेल जी क्या ख्याल है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा दैट जब भी आप दोनों को मौका मिला, आपने बॉल स्टेडियम की बाहर मारा है, लेकिन आई जस्ट थिंक दैट आप लोगों को ज्यादा इस एक्ट में करने को था, कुछ ज्यादा नहीं था, एंड लेकिन यू आर ट्राइड विद ग्रेट सिंसियरिटी, लेकिन आप लोग दोनों बहुत कमाल के एक्टर हैं। अर्चना जी आप क्या कहना चाहेंगी? यू नो कॉमेडी सर्कस के मैंने हजारों एपिसोड देख लिए होंगे अभी तक, जज किए हैं, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स आते हैं उन
को इंटरप्रेट करना और उनको एग्जीक्यूट करना, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है आर्टिस्ट का. यू बोथ आर वेरी टैलेंटेड. मुझे लगता है हल्के से इनएक्सपीरियंस की वजह से, इनएक्सपीरियंस आपके अपने करियर्स में नहीं लेकिन इस मंच के इनएक्सपीरियंस की वजह से आप लोगों ने अपने आप को उन लाइनों के दायरे में ही रखा. थोड़ी बहुत राइटिंग में कमी थी, थोड़ी बहुत आपकी इंटरप्रिटेशन में कमी थी और कहीं कॉन्फिडेंस की वजह से ये एक्ट थोड़ा ढीला रह गया. बट दिस सीजन द प्रॉमिस दैट आई एम सीइंग मैंने और किसी भी सीजन में नहीं देखी, बिकॉज जो फ्रेशनेस आया है स्टेज पर वो आप लोग जो नए आए हैं, you know, you people have brought this and that is what is amazing in this naya daur. So the beginning is good but the ending will be fantastic, that I can assure. So Asra ji, aap inhe kitne points denge? 7 points. Sohel ji, 7 points please. से स्कोरिंग शुरू हो गई है, मतलब टीम्स के लिए खतरा शुरू हो गया है भाई, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह इनके स्कोर्स जुड़ जुड़ के इनकी किस्मत बनेगी और जो जीतेगा उसे मिलेगा सोहेल खान प्रोडक्शंस में काम. और अगले हफ्ते अपने स्कोर्स बढ़ाने के लिए ये टीम्स फिर टकराएंगी और जितना ये टकराएंगी उतना आपको हंसी आएगी. तो हंसने के लिए देखते रहिए अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर.